जो जांच हुई है उस जांच से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो आए अपने, जैसे हम कहीं टूर पे नहीं जाते घूमने के लिए, अच्छा इसी तरह अधिकारी। ग्रामीण विकास से जुड़े घोटाले रोज निकल कर सामने आ रहे, इनकी आप कितनी भी शिकायतें कर लें अधिकारियों के सर पर जूं तक नहीं रेखती। टैरोली तहसील से कई मामले निकल कर सामने आए, अधिकतर मामले आवास को लेकर होते जिसमें ग्राम प्रधान और कुछ अधिकारियों पर हमेशा आरोप लगते रहते। जांच का समय आता है तो ले देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये मात्र मैं ही नहीं कह रहा, इस बात को गाँव वाले भी आए दिन कहते हैं नुक्कड़ और चौराहों पर। बीते दिन एक खबर चलाई जिसमें विजयगढ़ गांव में मनरेगा के कार्य जेसीबी मशीन से करवाया जा रहा, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कार निरंतर जारी। हालांकि उसी गांव से रोज वीडियो सामने आ रहे जिसमें जेसीबी मशीन रात में भी चल रही। जानकारी की सत्यता की पुष्टि मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास कॉल आया कि बिना जांच पड़ताल के आपने खबर कैसे लगा। फिर वो धमकी भरी कॉल अनुरोध में बदल गए जिससे सिद्ध हो गया कि प्रधान जी और संबंधित अधिकारी सरकार के खजाने को मिल बांट कर खा रहे हैं। उसी गांव का एक मामला और है जो आवासों को लेकर कुछ लोगों का आरोप है कि मैं पात्रता सूची में था पहले, फिर अपात्र सूची में मुझे डलवा दिया गया है। बाबू भाई ये पूरा खेल रुपयों को लेकर, उन पीड़ितों को भी सुनाएंगे, पहले आप मुझे सुन लीजिए। आवास की जाँच के लिए गए अधिकारी प्रधान की चाय नाश्ता खाकर लौट आए। ग्रामीण तो ये तक कह रहे हैं कि जाँच करने नहीं आए थे अधिकारी, ये तो पिकनिक मनाने के लिए आए। अब राम जाने वो कौन से अधिकारी थे जो विजयगढ़ में पिकनिक मनाने के लिए गए। ऐसा ही मामला तुर्कलेचूरा से सामने आया है। 12 आवासों के हेर फेर और रुपयों की मांग को लेकर मामला झांसी जिलाधिकारी तक पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई होती है या सब नीलबटे सन्नाटा हो जाता है। अब सुन लीजिए इन ग्रामीणों को या दुख इन लोगों का। क्या नाम है आपका? बाल कुमार। कहाँ के निवासी हो? विजयगढ़। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत आवास, आवास की शिकायत है। हाँ। तो आपने कहीं शिकायत नहीं करवाई इसके बारे में? करवाई टहरोली। टहरोली गई थी आप? हाँ। क्या कहा था वहाँ पे शिकायत? आवास की शिकायत की थी हमने कि हमको आवास चाहिए, हमारा सूची में नाम था, नाम प्रधान ने कटवा दिया। प्रधान ने नाम कटवा दिया? हाँ, गरीब लोग हैं सब, खाने के लायक तो हो नहीं रहा, मकान कहाँ से बनाएंगे। क्या शिकायत है आपकी? आवास नहीं आया, आवास नहीं मिला आपको? नहीं। आपने शिकायत की कहीं आवास के बारे में? कहाँ पे? टहरोली गई थी। क्या कहा था अधिकारियों ने? ये बोले थे कि आपको आवास आएगा, पैसा देना 20,000 रुपया। क्या नाम है आपका? महेंद्र पटेल। कहाँ के निवासी हो? ग्राम विजयगढ़ तहसील टहरोली ब्लॉक बंगरा। क्या शिकायत की थी आपने? हमारे गांव में विकास दुबे की तरह हनक चल रही है ग्राम प्रधान की, वो ग्राम विकास अधिकारी की। ग्राम विकास अधिकारी की और ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं? अरबपति व्यक्ति है, कोई गरीब आदमी किसी भी चीज की शिकायत करे, किसी जगह करे, कोई अधिकारी के पास जाए, कोई सुनवाई नहीं होती, उनके सब जगह मैनेजमेंट है। क्या मनमानी कर रहे हैं? जैसे आवास है, मनरेगा है, जो हमारी शासन की नीति है विकास, गरीब व्यक्तियों को लाभ, वो अपने मन मर्जी से अपने व्यक्तियों को दे रहा है, निजी व्यक्तियों को दे रहा है। अच्छा, तो अभी आपने किसकी शिकायत की थी? अभी हमने माननीय सांसद महोदय जी से की थी, 19 तारीख को, महीना 4। आज हमारे यहाँ हमारे पास फोन आया, बोले भाई आपके पास हम गांव में जांच करने के लिए आ रहे हैं, आप मिलना जी। ठीक है, इसके बाद वो आए तो हमें कुछ पता चला कि वो आ गए, तो हमने उन्हें वही फोन वापस किया, हमने साहब आप कहाँ मिलना चाहते? बोले हम आपके गऊ आश्रय आए थे, वापसी में आपसे मिलते हैं। वापसी में मिले, बातचीत हुई हमने कि साहब आप जो हमारे गांव के लोग लाभार्थी हैं, पात्र व्यक्ति हैं, आप उनके यहाँ गए देखने के लिए? बोले नहीं, अब उन्होंने हमसे घुमाऊ तरीके से बात की। अच्छा, वो सीधे आए ग्राम पंचायत में बैठे, बोले नहीं नहीं, हम तो ग्राम पंचायत में आपको बुलाया था, आप वहाँ क्यों नहीं आए? तो हमने आप पंचायत भवन में बैठने के लिए आए थे या जांच करने के लिए आए थे? जी। आपको एक जांच कमेटी बनाया है, अधिकारी बनाया, आप जांच करने तो कहीं में किसी लाभार्थी के यहाँ गए? या जो हमने कहा, हमने शिकायत की कि जी अपात्र व्यक्ति है, आप किसी अपात्र के घर गए देखने के लिए इसका मकान बना है कि नहीं बना? हम जैसे आरोप लगा रहे कि उसके चार दीवारी पूरा पक्का मकान बना 50x50 में, जिनके 8-8 एकड़ के काश्तकार हैं,
ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, और जो हमने नाम दिए हैं कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनके पास कुछ नहीं है रहने के लिए, छत भी नहीं है, पॉलीथिन में रह रहे हैं वो बेचारे, जिनके पास शाम को दिन भर मजदूरी करते, जब वो शाम को आटा लेके खाते, वो SDM साहब के पास जा रहे, वो DM साहब के पास जा रहे, DM साहब ने जांच दे दी CDO साहब को, CDO साहब ने पकड़ा दी SDM को, SDM ने दे दी लेखपाल को, लेखपाल को गड्डी मिल गई तो वो अपने वहीं से उन्होंने तहसील से बैठ के अपनी रिपोर्ट बना दी। आज तक के रिकॉर्ड में कोई यहाँ व्यक्ति जांच करने के लिए नहीं आया। जब आपने माननीय सांसद जी के समक्ष अपनी शिकायत रखी मांग के लिए, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने जी कहा था कि आपके यहाँ जांच करने अधिकारी जाएंगे और आपकी निष्पक्ष जांच होगी। अभी जो जांच हुई है उस जांच से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो आए अपने के, जैसे हम कहीं टूर पे नहीं जाते घूमने के लिए। अच्छा, इसी तरह अधिकारी। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।